नमस्कार, विद्युत समाचार में आपका स्वागत है। चीन ने धमकी दी, आर्थिक गलियारे पर भारत की दो टूक। चीनी मीडिया ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा है कि यदि दोनों देशों के बीच लड़ाई हुई तो चीनी सेना के जवान 10 घंटे में राजधानी दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। चीनी मीडिया ने कहा कि अगर अब भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो चीनी सैनिकों का दस्ता मोटर काफिले से 48 घंटे में जबकि पैराशूट से 10 घंटे में भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच जाएगा। इस धमकी का मजाक सोशल मीडिया पर उड़ाया जा रहा है। इंटरनेशनल स्पेक्ट्रेट के ट्वीट के मुताबिक चीन के सरकारी टीवी चैनल ने यह दावा किया है। हालांकि चीन की तरफ से भारत को पहली बार धमकी नहीं दी गई है। इससे पहले भी चीनी मीडिया किसी न किसी मुद्दे पर भारत के खिलाफ आग उगलता रहा है, लेकिन इस बार धमकी का उन्हें ट्विटर सहित पूरे सोशल मीडिया पर खूब जवाब मिल रहा है। दूसरी ओर भारत ने चीन को भारत की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करने की नसीहत देते हुए बुधवार को कहा कि पाकिस्तान के सहयोग से बनाया जा रहा उसका आर्थिक गलियारा जिस क्षेत्र से गुजरता है वह भारत का हिस्सा है। विदेश सचिव एस जयशंकर ने यहां द्वितीय रायसीना संवाद में अपने संबोधन के बाद सवालों के जवाब में चीन को दो टूक शब्दों में कहा कि उसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के मुद्दे पर भारत की संवेदनशीलता को समझना होगा। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि निश्चित रूप से लोग समझेंगे कि भारत की प्रतिक्रिया क्या है। यह आवश्यक है कि इसकी कुछ प्रतिक्रिया दिखे, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें ऐसे कोई संकेत नहीं मिले। यह संभवतः पहली बार है कि भारत ने चीन द्वारा ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने के लिए बनाए जा रहे इस गलियारे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया बहुत तीखे रूप में प्रकट की है। विदेश सचिव ने कहा कि चीन अपनी संप्रभुता से जुड़े मसलों को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील है। हम अपेक्षा करते हैं कि वह भी अन्य लोगों की संप्रभुता का सम्मान करे। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति चीन की प्रगति के लिए उसी प्रकार से हानिकारक नहीं है जिस प्रकार से चीन की प्रगति भारत की प्रगति के लिए नहीं है। चीन को लेकर भारत का यह रुख ऐसे समय सामने आया है जब चीन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के कदमों में बार बार अड़ंगे लगा रहा है। चाहे परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में सदस्यता का आवेदन हो या फिर जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर को प्रतिबंधित करने का मामला हो। जयशंकर ने कहा कि चीन की ताकत और उसकी अभिव्यक्ति एशिया में एक गतिशील तत्व है। जापान भी एक प्रमुख तत्व है और वह अधिक जिम्मेदारियों को उठाना चाहता है। जहां तक भारत का मामला है तो हम अपने आप को दक्षिण एशिया में स्थिरता के स्रोत और प्रगति एवं सुरक्षा के लिए प्रमुख योगदान करने वाली ताकत के रूप में देखते हैं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। 5 सरकारी बीमा कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने और 25% विनिवेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। झारखंड में 200 करोड़ की लागत से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना को मंत्रिमंडल की मंजूरी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा भारत की विकास दर 7.7% रहने की संभावना। पुतिन ने कहा ओबामा प्रशासन डोनाल्ड ट्रंप को कमजोर करने की कोशिश में। बच्चों के अश्लील वीडियो बनाता था अमेरिकी, हैदराबाद से गिरफ्तार। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।